नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस नाल दुवल्ले मामलों बारे गलबात की। प्रधानमंत्री मोदी अनुसार भारत और आस्ट्रेलिया विचाले संबंध हुण T20 दौर विच शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश दियां सरहदां दी सुरक्षा मोदी सरकार दी पहल है। पंजाब दियां मंडियां विच कणक दी खरीद दा काम भलके 25 मई तो बंद हो जाएगा। पंजाब विच बीती रात हनेरी चलन ते बदलवाई नाल लोकां नूं अत दी गर्मी तो मिली राहत। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी आस्ट्रेलिया दौरे दा अज आखरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विचाले हुण तों थोड़ी देर पहला वफद पद्धर दी गलबात कीती गई। दोनां नेतावां ने दुवल्ले मामलियां बारे विचार वटांदरा कीता ते दोनां देशां विचाले संबंधां नूं होर मजबूत करन बारे वी चर्चा कीती। इस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सांझे तौर पर मीडिया को संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने दोवों देशों विचाले संबंधों बारे पूछे गए एक सवाल का जवाब देंदया कहा कि संबंध हुण T20 दौर में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौरे दौरान आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानिस नाल मुलाकात दौरान दोवों देशों विचाले अगले दहाके विच विकास लई एक व्यापक योजना बारे गलबात हुई है। वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीखा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आस्ट्रेलिया दौरे दौरान कल सिडनी विच कुडोस बैंक एरिना विच भारतीय भाईचारे दे इकट्ठ नूं संबोधन कीता। अपने हत्थां विच तिरंगा झंडा लई हजारां दी गिनती विच मौजूद लोकां ने प्रधानमंत्री दे स्वागत विच जबरदस्त उत्साह दिखाया अते मोदी मोदी ते भारत माता दी जय दे नारे लगा के उन्हां दा जोरदार स्वागत कीता। इस समागम विच हिस्सा लैण लई आस्ट्रेलिया दे कोने कोने तों लोक सिडनी पहुंचे अते उन्हां प्रधानमंत्री मोदी दा दिल खोल के स्वागत कीता। इस मौके आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस तो इलावा कई होर नेता उन्हां नाल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन विच कहा कि आस्ट्रेलिया ते भारत दी दोस्ती आपसी परोते ते सन्मान दे नाल अग्गे वध रही है। आपसी भरोसा दोहां देशां दी लोकां नूं आपस विच जोड़ के रखदा है। इस भरोसे नूं प्रधानमंत्री ने आपसी दोस्ती दी इक मजबूत नींह दस्या। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत नूं विकसित देश बनाउण लई लगातार यतन कीते जा रहे ने अते हर भारतवासी इस विच अपना योगदान दे रहा है। उन्हां कहा कि अज भारत बदल रहा है अते नवां भारत हर चीज विच नंबर एक ते बणिया होया है। उन्हां कहा कि अज भारत सब नालों तेजी नाल अग के वध दी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया दे देशां नूं एकजुट करन लई वी भारत अपनी अगवाई कर रहा है अते कोविड वर्गे मुश्किल हालात विच भारत ने कई देशां दी मदद कीती। उन्हां कहा कि
भारत अपने हित नूं सारयां दे हितां नाल जोड़ के रखदा है अते एही भारत दी विदेश नीति है। भारत दी वसुदेव कुटुंबकम दी धारणा भी इस तों साफ पता चलदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अते सबका विश्वास ना सिर्फ देश दी नीति है बल्कि यह समुची दुनिया लई भारत दी नीति है। उन्हां कहा कि भारत अते आस्ट्रेलिया विचाले रणनीतिक सांझेदारी लगातार अगे वध रही है अते बीते समय दौरान होए वख-वख समझौतियां नूं देखदिआं यह कहा जा सकदा है कि दोवां देशां दे संबंध बेहद मजबूत हुए ने। ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश दीआं सरहदां दी सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार दी पहल है अते सरहदी पिंडां नूं सुरक्षित कीते बिना सरहदां नूं सुरक्षित नहीं रख्या जा सकदा। कल नवी दिल्ली विच वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ते एक वर्कशॉप दा उद्घाटन करदे उन्हां कहा कि वाइब्रेंट विलेज दे माध्यम राही देश दीआं सरहदां दी सुरक्षा होर मजबूत होवेगी। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इह योजना इस उद्देश नाल शुरू कीती सी कि हरेक सरहदी पिंड नूं सारियां सहूलतां मिलणियां चाहीदियां ने। अमित शाह ने कहा कि इस प्रोग्राम दे माध्यम राही सरहदी पिंडां तों हिजरत नूं रोकण लई यतन कीते जा रहे ने। गृह मंत्री ने सरहदी जिलियां दे जिला अधिकारियों नूं कहा कि ओ सैर सपाटा, खेती, हस्तकला अते सहकारिता दे खेतर विच सार्थक पहल करदे होए बुनियादी सहूलतां नूं वधाउण वल ध्यान देण। उन्हां कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तहत पिंडां नूं सहकारी संस्थावां दे माध्यम नाल रोजगार वधाउण लई जोर देना चाहीदा है। पंजाब दीआं मंडियां विच कणक दी खरीद दा काम भलके 25 मई तो बंद हो जाएगा। खुराक, सिविल सप्लाई अते खपतकार मामलिया बारे मंत्री लाल चंद कटारू चक ने कल ऐलान करदिआं दस्सिआ कि कणक दी खरीद संबंधी काम कामयाबी नाल मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने दस्सिआ कि 1 अप्रैल तो शुरू मौजूदा हाड़ी दे सीजन दौरान मंडिया विच 125,57,000 मीट्रिक टन तो वध कणक दी आमद हुई है। इस विचों तकरीबन 121,07,000 मीट्रिक टन कणक सरकारी एजेंसियां ने खरीदी है। सूबे दे 8,09,000 तो वध किसानां नूं उन्हां दे बैंक खातिआं विच सीधे 24,693 करोड़ रुपए घट्टो घट समर्थन मुल वजों अदा कीते गए ने। सरकार ने पहला मंडियां बंद करन दी समय सीमा 31 मई रखी सी, पर बीते कुछ दिनां विच कणक दी आमद विच कमी आउण मगरों हुण मंडियां नूं 25 मई तो बंद कर दिता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बीते दिन जारी विकसित भारत नां दी कॉफी टेबल बुक विच देश भर दे पिंडां विच होए विकास बारे जानकारी दित्ती गई। बठिंडा जिले दे 2 पिंडां दा जिक्र भी इस कॉफी टेबल बुक विच शामिल है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों रिलीज़ विकसित भारत नां दी कॉफी टेबल बुक विच पंजाब दे बठिंडा जिले दे 2 पिंडां नूं शामिल होण दा माण हासिल होया है। ये पिंड ने महिमा भगवाना अते महिमा सवाई। इन्हां दोहां पिंडां विच जल जीवन मिशन की कामयाबी बारे इस कॉफी टेबल बुक विच तकरीबन 6 पन्नियां विच जानकारी दित्ती गई है। इस मिशन बारे जल सप्लाई विभाग के कार्यकारी इंजीनियर मनप्रीत सिंह अर्शी दसदे ने। जिहड़ी महिमा भगवाना वाटर सप्लाई स्कीम हैगी है वह विश्व बैंक की वित्तीय सहायता नाल उसारी हुई स्कीम है, तो उसते एक जिहड़ी विलक्षण गल ये हैगी जिस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसनों स्पैशल रिकोगनाइजेशन दी है कि उत्थे 100% जिहड़ी उहदी ऑर्गनाइजेशन है पिंड की पंचायत जिहड़ी चलाने वाली वह फीमेल हैडेड है कि सारियां वूमेन सरपंच भी वूमेन है, जिहड़ी ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई कमेटी है
वह वाटर सप्लाई कमेटी दी सारियां मैंबर जिहड़ियां 12 या 15 जिन्नियां मैंबर ने वह सारियां औरतां ने वूमेन हैडड जिहड़ी आ वह सप्लाई हैगी है ते बड़ी सक्सैसफुल चल रही है। महिमा भगवाना दे वसनीकां दा कहना है कि जल जीवन मिशन ने उन्हां दी जिंदगी विच एक इनकलाबी बदलाव लियांदा है अते मिशन तहत बनी पानी दी टैंकी नाल अज उन्हां नूं पीण वाला साफ सुथरा पानी बेहद आसानी नाल मिल रहा है। मैं अक्सर देखती होंगी सी लेडीज़ नूं पा इन्हों का जोड़ा समा से बहुत वेस्ट हो जाता से 25-25-30 घड़े ये पानी के भर दया होंगे सी तो बच्चों की पढ़ाई भी रह जाती सी तो अक्सर मैं देखती सी लोग पानी के करके लड़कियों पढ़नों हटा लेंगे सी पर असं धनवादी हाँ भी जल जीवन मिशन जोड़ा सा पिंड बटरबक्स बनिया तो घर घर पानी पहुँचा। पिंड दियां औरतां मुताबक साफ सुथरा पानी मिलने लोगों की नहीं बल्कि पशुओं की सेहत भी सुधर गई है। पहला पशुओं को छप्पड़ों का पानी पिलाया जाता सी पर यह हुण बीते जमाने की गल हो गई है। पहला पानी का बहुत औखा सीगा असी घर विच साढ़े रसोई विच भी पानी नहीं हुंदा सीगा ते सानू एक घड़ा लियाउणा पैंदा पानी दा काफ़ी दूर पैंदा सी बहुत असी औखे हुंदे सी थक जांदे सीगे ते काम भी साडा रह जांदा सीगा ते पशु भी साढ़े पानी इन्नियां बहुत औखे सीगे छप्पड़ां ते लैके जांदे सीगे ते हुण पशु भी साढ़े अगे जिहड़े सीगे पानी खराब सीगा उहदे नाल पशु भी सुकदे सीगे ते हुण पशु भी बहुत वधिया। साढ़े घरां दी जिंदगी बहुत सुखाली हो गई जी पहलां सानू बाहर पानी लैण जाणा पैंदा सी उहना साढ़े समें दी बहुत साडा समां खराब हुंदा सी ते पहलां साढ़े मालवे एरिए च सर काले पीली ते कैंसर दा भी काफ़ी प्रकोप सीगा सिर्फ खराब पानी करके हुण साढ़े घरां च बहुत वधिया पानी आउंदा जी घर घर कनैक्शन ने जी असीं बहुत धन्नवादी हां जी जल सरकार दे जिन्हां सरकार ने साढ़े तक जल जीवन मिशन राही साफ पानी पहुंचा है। यकीनन जल जीवन मिशन की मदद नाल आज ये पिंड विकास दी नीहां ते लगातार अगे वध रहे ने अते देश विच एक मोहरी थां बना चुके ने। अमृतपाल सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल दूरदर्शन समाचार जलंधर। कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू ते विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी तो एकजुटता की हकदार नहीं है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की आवाज दबाने लई पंजाब विच बेरहमी दिखाई अते कांग्रेसी विधायकों आगुआं ते वर्करस ते पुलिस अते जांच एजेंसियां की दुरवरतों करके उन्होंने जिंदगी नरक बना दी है। प्रताप सिंह बाजवा ने कांग्रेस आला कमान नूं अपील की है कि वह केंद्र वालों जारी आर्डीनेंस के मुद्दे ते आम आदमी पार्टी नूं समर्थन देने बारे फैसले ते पहुंचण तो पहला इन्हां सारे तत्थां वल ध्यान देण। उन्हां कहा कि पंजाब विच कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबाउण लई मौजूदा सरकार हेठले पद्धर तक चुक गई है अते साबका मुख्यमंत्री तो लैके पिंडां दे सरपंचां ते कांग्रेस आगुआं खिलाफ झूठियां FIR दर्ज कीतियां जा रहियां ने। तीजियां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेडों की शुरुआत कल शाम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कबड्डी खेड नाल हुई। कई यूनिवर्सिटियां दियां 15 टीमां ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। यह मुकाबला गौतम बुद्ध नगर जिले के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आयोजित किया गया। गौतम बुद्ध नगर जिले में आयोजित होने वाले बास्केटबॉल भार तोलन मुक्केबाजी अते कबड्डी वर्गियां खेडां नाल संबंधित मुकाबलियां विच वख-वख यूनिवर्सिटियां दे करीब 1200 खिडारी हिस्सा लै रहे ने। इस समागम दा सरकारी तौर ते उद्घाटन बल्कि लखनऊ विच कीता जावेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस उद्घाटन समागम विच वर्चुअल माध्यम राही शामिल होणगे। ओह इस समागम दे मुख मेहमान होणगे। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सूबे दे मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ अते उद्घाटनी समागम विच शामिल होणगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेडां 3 जून तक चलणगियां इसका समापति समागम वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इन खेडों का आयोजन 4 स्थान गौतम बुद्ध नगर लखनऊ गोरखपुर वाराणसी में किया जाएगा। पंजाब विच बीती रात हनेरी चुल्लण अते बदलवाई होण नाल लोकां नूं अत दी गर्मी तो कुछ राहत मिली है। अज तड़कसार तो ही ठंडियां हवावां वग रहियां ने। इस तो पहलां तापमान इन्ना ज़्यादा वध गया सी कि कई थावां ते लू वर्गे हालात बन गए सन। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनां विच पंजाब दियां कई थावां ते मीह पैण दी संभावना जताई है। इसे दौरान गरज चमक नाल छिट्टे पैण गड़ेमारी होण अते 30-40 किलोमीटर दी रफ्तार नाल तेज़ हवावां चलण दी चेतावनी दिंदिआं येलो ते पिंड अलर्ट जारी कीता गया है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकदे ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। दिओ आ गया नमस्कार।